प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में गोरखपुर और महाराजगंज के जन सूचना अधिकारियों के साथ जन सूचना अधिकार अधिनियम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों को समय से निस्तारित किया जाए और कोई भी आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ही नियम अनुसार निस्तारित कर दिया जाए। यदि सूचना नहीं दिया जा रहा संभव हो तो आवेदक को समय से अवगत करा दिया जाए, किसी भी दशा में आवेदन को लंबित ना रखा जाए। उन्होंने कहा कि सूचना आयोग में सुनवाई हेतु जन सूचना अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जिसे पूरे प्रकरण एवं सूचना की जानकारी हो, साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी विभागों में जन सूचना का रजिस्टर अनिवार्य रूप से बना रहे और उसमें प्राप्त आवेदन एवं उसके निस्तारण का विवरण भी अंकित किया जाए। उन्होंने सूचना अधिकारी अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदन की प्रथम अपील प्राप्त होने पर समय से उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम में ज्यादा मामले लंबित होने पर असंतोष व्यक्त किया। वहीं इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने सूचना आयुक्त को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराते हुए जन सूचना के आवेदनों का समय से निस्तारण कराया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित गोरखपुर एवं महाराजगंज के विभिन्न विभाग के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा, जिलाधिकारी के यहाँ है वो या जो सूचनाएं अन्य विभागों है जिसमें केवल स्थान जो उपस्थित कम नहीं होते हैं और सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते सर। इसको एम से शिकायत है हमारी सर, एम सर जो है हर जो हमारी मीटिंग मंत्री उसमें रिव्यू करते हैं। ये मान कर चल रहे हैं कि जो आपका विभाग है या पूरे जिले का लगभग कोऑर्डिनेशन का काम आपके पास है, आप कोऑर्डिनेशन अगर सर सूचना अधिकारी से नहीं कर सकते तो जो संबंधित सूचना अधिकारी को भी आता है और आप लोग वकील का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आरटीआई भी नहीं है क्या? वकील को अपने प्रति निराकार हो आपसे ज्यादा वकील जानता है क्या? कोई संविधान तो है नहीं, रॉकेट साइंस है। आरटीआई को समझने के लिए जो है बहुत आरटीआई को तो 15 साल हो गया है, 15 साल तो बहुत होता है सीखने के लिए। अगर 15 साल बाद हमको बताना पड़े कि आरटीआई में जो है पीआईओ या पीआईओ दूर से आरटीआई जो बना था, आरटीआई की भाव और भावना ये थी कि प्रशासन की कार्य जो सिस्टम है उसमें पारदर्शिता आए और न्यूनतम भ्रष्टाचार पर तो कर्टेल कर सके, वो तो हुआ नहीं। और पैरेलल एक और सिस्टम पैदा हो गया, आरटीआई एक्टिविस्ट एक आदमी 100-100 केस लगाया बैठा, 150 केस लगाया बैठा, 50 केस लगाया बैठा। तो इससे तो जो आरटीआई की जो भावना मूल थी वो प्रभावित हो रही। होता क्या है कि मान लीजिए एक दिन की सुनवाई हमारे पास 60 केस लगे, 60 केस में 40 से 45 केस किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के, किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 5 है। इनको सुनते सुनते फिर जो असली आरटीआई लगाने वाला जो परेशान आ रहा है आदमी वो उसका हित प्रभावित होता है। ये दोनों चीजें हैं, यहाँ पक्ष भी वैसा ही है और विपक्ष भी वैसा है। पीआईए लापरवाही करता है, सूचना नहीं देता, उधर से एक एक आदमी 100-100 आरटीआई लगाया बैठा है। ये दोनों चीजें हमारे लिए जो है एक प्रकार से कहिए हमारे लिए कष्ट का विषय है। उसकी ओर से आपने लगा दिया, उसका थोड़ा सा काम हो जाए, थोड़ा शुद्ध हो जाए या प्रशासन में पारदर्शिता है। लेकिन आप ही अगर 100 आरटीआई लगाएंगे हम कहेंगे कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अधिकार है आप 1000 आरटीआई लगाइए, लेकिन उस आरटीआई नम तो हो। राज्य सूचना आयोग की ओर से एक बैठक यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिसमें सीडीओ भी उपस्थित थे
बैठक का विषय जो हमने रखा था वो एक प्रकार से समीक्षा बैठक थी। इसका उद्देश्य ये था कि गोरखपुर मंडल के दो जिले गोरखपुर और महाराजगंज के जो पीआईओ जिन पीआईओ को बुलाया गया था जन सूचना अधिकारी की, उनको यह बताना उद्देश्य था कि आरटीआई जो है लोक प्राधिकारी का प्रथम दायित्व है आरटीआई में जवाब देना, और अगर 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर 25,000 के जुर्माने लगाने का पूरा आधार बनता है। और इनको हम ये सचेत किया कि एक तो ये वहाँ उपस्थित हों आयोग में, और जिन आरटीआई का इन्होंने जवाब नहीं दिया उन आरटीआई का जवाब लेकर के वहाँ उपस्थित हों। ये भी हमने बताया कि अगर 30 दिन में आप सूचना नहीं देते हो तो इसका मतलब आपके खिलाफ 20-1 और 20-2 यानी 25,000 का जुर्माना और प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्यवाही की जा सकती है। दूसरा विषय यह था कि इनको इस विषय में जागरूक भी करना जो है इसका उद्देश्य था कि आरटीआई के प्रति गंभीर हों, आरटीआई में जो प्रावधान किए गए हैं उनका अध्ययन करें, और अध्ययन करके आम जनता जिसकी ओर से आरटीआई लगाई जा रही है उसकी सूचना जो इनके यहाँ धारित है उस सूचना को अवश्य दें ताकि लोकहित सिद्ध हो और प्रशासन में सिस्टम में पारदर्शिता आए। नहीं देखिए, जो मेरे पास अभी जो गोरखपुर मंडल ट्रांसफ़र हो करके आया है उसमें जो अभी बहुत उसकी गणना तो नहीं कर पाए, लेकिन 200 से अधिक जो है जनसूचना अधिकारियों पर दंड अधिरूपित किए जा चुके हैं इस लापरवाही में कि उन्होंने समय से सूचना नहीं दी और आयोग के आदेशों का उन्होंने पूरी तरह से पालन नहीं किया। नहीं, हमारे अनुभव में आया गोरखपुर मंडल में जितने केसेस लंबित हैं उसमें 80% केसेस, ये दुख का विषय है हमारे लिए, ये चिंता का विषय है कि 80% केसेस केवल आरटीआई एक्टिविस्ट के हैं। माना जा सकता है कि 80% जो आरटीआई लगी है उसमें सभी जेन्युइन नहीं है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो आरटीआई आदतन लगाते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग को परेशान करने की उनकी नियत रहती है। लोकहित भी प्रभावित हो रहा होगा, और लोकहित, हाँ लोकहित प्रभावित होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए एक दिन में हमने 50 केस सुनने का तय किया तो उसमें कम से कम 30-35 केस 40 केस आरटीआई एक्टिविस्ट के होते हैं। जब हम 40 केस केवल आरटीआई एक्टिविस्ट के सुनेंगे जिनमें अधिकांश अधिसंघ आरटीआई का लोकहित से बहुत संबंध नहीं रहता है, तो बाकी शेष लोग प्रभावित तो होते ही हैं। जो मूल आरटीआई जिसको सूचना चाहिए, जो परेशान हाल है, जो सिस्टम से जिसका काम नहीं हो रहा है, जिसको सूचना नहीं मिल रही है, तो इन आरटीआई एक्टिविस्ट के कारण जो है मूल आरटीआई लगाने वाला जो परेशान हाल आदमी है वो परेशान होता है, हमारा काम भी प्रभावित होता है कि ऐसे लोगों को हमको सुनना पड़ता है, सुनना ही चाहिए आरटीआई में, सुनना ही चाहिए, वो प्रावधान है भी तो सुनते भी हैं और गुण दोष के आधार पर उसका हम फैसला भी करते हैं।